हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? ओके. क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, आरबीसी बोर्ड की बुक का न्यूमेरिकल फर्स्ट है. तो इसके अंदर टू स्मॉल चार्ज स्फेयर्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन एयर. यहाँ क्या क्या बातें बता दी है उनको सबसे पहले कलेक्ट कर लो सॉल्व करने के लिए. टू स्मॉल चार्ज स्फेयर्स है. पहली बात तो शेप कैसा है इनका? स्फेयर है. तो पहले तो आप इसमें एक स्फेयर बना लो, फिर ये कि दूसरा स्फेयर. साइज अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, क्योंकि साइज ही इसमें कोई बात नहीं है. टू स्मॉल चार्ज स्फेयर्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर. डिस्टेंस बीच में सेंट्रल डिस्टेंस होती है, सेंटर से काउंट होती है. डिस्टेंस आर कितनी दे रखी है इसने? 30 सेंटीमीटर है. इन एयर बीच में क्या मीडियम? इसमें एयर. बहुत सारी बातें इसमें छुपी हुई है जो निकालनी पड़ेगी. हुज चार्ज्ड आर 2 × 10⁻⁷ कूलम. जो फर्स्ट स्फेयर है पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव तो कहीं है नहीं, उसको Q1 बोल दो. तो हमारे पास 2 × 10⁻⁷ कूलम. और दूसरा Q2 इक्वल्स टू दे रखा है इसमें 3 × 10⁻⁷ कूलम. ठीक है भाई. कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम. फोर्स एफ की वैल्यू उसमें डिसाइड करनी है, निकालनी है. यहां लिख देते हैं, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो है हमें फाइंड करना है. दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स कैसा लगेगा भाई बताओ? रिपल्सिव फोर्स लगेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे. अब फोर्स की कैलकुलेशन किससे करेंगे? कूलम्स लॉ से कर लेते हैं. इसके अंदर ना एफ इक्वल्स टू क्या आएगा? 1/4 πε₀ Q1 Q2 r². अब देखो एयर है ना, तो यहां पर ε₀ क्या होती है? एयर या वैक्यूम के लिए सेम वैल्यू होती है. तो आपने इसको अगर पूरी वैल्यू रखे नहीं तो इसकी कैलकुलेशन पहले से पता होती है हमारे को. हम ध्यान से देखो, 1/4 πε₀ को k से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी कैलकुलेशन होती है 9 × 10⁹. यूनिट लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ठीक है ना. अब सारी जो वैल्यू आ रखी है वो लिखे इसमें. ये तो हो गया 9 × 10⁹. और Q1 Q2 लिख देते हैं इसके अंदर. Q1 हमारे पास 2 × 10⁻⁷ इंटू इसकी वैल्यू होगी 3 × 10⁻⁷ कूलम. एक चीज का ध्यान रखना, वैसे ये तो दोनों पॉजिटिव थे, अगर कोई दोनों में से एक नेगेटिव भी होता ना तो उसको भी यहाँ पर वैल्यू है ना मॉडुलस होता है Q1 या Q2 के साथ में, तो पॉजिटिव वैल्यू ही प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर. अपॉन r² यहाँ मिस्टेक होने के पूरे चांस होते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस किस में दे रखी है? सेंटीमीटर में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ध्यान रखो, इसको मीटर में लिखना बहुत जरूरी है. तो मीटर में कैसे लिखेंगे भाई? 100 का डिवाइड करते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3/10 ए मीटर. तो आर स्क्वायर है, इसका मतलब 3/10 अपॉन 10 है ना, इसको ऊपर ले जाते हैं कैलकुलेशन में. तो यहाँ पर × 10 आ जाएगा. स्क्वायर है तो दो बार लिख दो, 3 और अपॉन 10 है तो 10 ऊपर चला गया रेसिप्रोकल करके. अब करो इसकी कैलकुलेशन. ये 3 से ये 3 तो गया, ये 3 × 3 = 9 कितना आ गया? 3 और 2 = 6. और 10 की कैलकुलेशन देखो, यहां से 9 आ गया. −7 और −7 −14, ये −14 लिख दो. ये 10 और ये 10 कितना? 100 हो गया. 100 मतलब 10⁻². यहां पर कौन सा नियम लग रहा है? आधार समान होने पर गाते जुड़ जाती है, वो वाला नियम इसमें यहाँ लगा देंगे. तो कैलकुलेशन बड़े आराम से आ रही है इसके अंदर. 6 × 10⁻ कितनी है देखो, ये 9 और ये 2 = 11 हो जाएगा. और माइनस का 14 है तो −3 लगा देंगे. अब बात करते हैं यूनिट की. निकाला क्या आपने? फोर्स निकाला है. तो फोर्स का यूनिट कितना हो जाएगा यहाँ पर? न्यूटन हो जाएगा. ठीक है भाई. इस तरह से अपन ने इस न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहले तो ये देखा कि भी चार्जेज कैसे हैं. ठीक है.
पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वैसे कैलकुलेशन में पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर Q1 का साथ और Q2 के साथ मॉडुलस होता है। अगर नेगेटिव भी होता है तो उसको पॉजिटिव ही यूज करते हैं। फिर अपन ने क्या देखा इसके अंदर, तो जो डिस्टेंस थी ना दोनों के बीच में, दोनों स्फीयर्स के बीच में, तो वो डिस्टेंस सेंटीमीटर में दे रखी थी, तो उसको सबसे पहले हमें मीटर में चेंज करना है। उसके बाद में हमारे को जो ये वैल्यू है के की 9 × 10⁻⁹ यूनिट लिखना चाहो तो कितना आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। तो वो वैल्यू यूज कर ली, फिर Q1 Q2 की वैल्यू रख दी, R की वैल्यू रख दी, कैलकुलेशन करने से हमारे पास में आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, बस केयरफुली करते रहें और हमेशा ध्यान रखो, कोई भी न्यूमेरिकल करना हो ना तो न्यूमेरिकल करने के लिए उसके अंदर जो गिवन वैल्यूज है ना उसके ऊपर सबसे पहले अटैक करना चाहिए। वो समझ लीजिए इसमें क्या क्या दे रखा है, क्या फाइंड करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। और बीच की डिस्टेंस वगैरह किस में है, MKS में है, CGS में है, ये सारे डिसीजन लेकर के उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।